अगर आप किसी को दिल से चाहते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, लेकिन दिल की बात, आपके मन में जो बात है, तो सामने वाले व्यक्ति को आप बता नहीं सकते। तो उसके लिए आज मैं आपको एक दिए का, एक चमत्कारी दिए का आपको वशीकरण करने वाली शक्ति की जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो यह ऐसा वशीकरण होगा, किसी को भी आप अपने प्यार के बंधन में बांध सकते हैं, इनकार को इकरार में आप बदल सकते हैं। तो क्या है ये वशीकरण करने वाला दिया और इसकी शक्ति आपको कैसे प्राप्त हो सकती है, तो इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो इस चैनल के माध्यम से पहले काफी वशीकरण करने वाली शक्तियों की जानकारी मैं आपको दे चुका हूं कि कैसे आप माता श्यामपुर मोहिनी का आवाहन करने के बाद, उन मंत्रों का जाप करने के बाद, उनका उच्चारण करने के बाद और माता श्यामपुर मोहिनी के टोटके विधियों की पालना करने के बाद, उपाय करने के बाद, कैसे आप किसी को वश में कर सकते हैं और कैसे आप उन मंत्रों का जाप कर सकते हैं, रूठे हुए व्यक्ति को कैसे आप मना सकते हैं और दूर गए हुए व्यक्ति को कैसे आप वापस ला सकते हैं, ऐसे जो वशीकरण करने वाली शक्तियां हैं उनकी जानकारी मैं आपको अक्सर इस चैनल के माध्यम से देता रहता हूं। लेकिन आज यह जो विधि मैं आपके लिए लेकर आया हूं, कोई बड़ा अनुष्ठान भी नहीं करना, किसी मंत्र का जाप भी नहीं करना, केवल आपने जो वशीकरण करने वाली देवी है, जो सफेदों धाम वाली देवी है, माता श्यामपुर मोहिनी, उसके नाम का एक दिया जलाना है। एक दिया जलाकर विधि के अनुसार, जैसे इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें। तो आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इस दिए को जलाकर आप किसी को भी अपने प्यार के बंधन में आप बांध सकते हैं। और ये ऐसा वशीकरण है, अगर आपसे कोई रुष्ट होने के बाद आपसे कोसों दूर चला गया है, तब उस व्यक्ति की भी वापसी हो सकती है। अगर आपके घर में कला क्लेश रहता है, तब उसके लिए भी आप इस वशीकरण शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। जिसके लिए आप इस दिए को जलाएंगे, जिसका नाम लेकर आप इस दिए को रोशन करेंगे इस विधि के अनुसार, तो वह व्यक्ति आपके प्यार के बंधन में बंध जाएगा। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार इस वशीकरण दिए को जलाकर आप किसी को भी, किसी व्यक्ति को भी आप अपने प्यार के बंधन में बांध सकते हैं, क्योंकि यह जो चमत्कारी दिया है माता श्यामपुर मोहिनी का, तो उसकी शक्ति के द्वारा यह वशीकरण होगा। लेकिन आप इस दिए को इस विधि के अनुसार ही जलाते रहें। तो इसके लिए जिस सामग्री की आपको जरूरत पड़ेगी वह भी मैं आपको बता दूं, तो इसके लिए आपने एक माटी का आपने दिया लेना है, और इसके लिए आपने चमेली का खुशबू वाला आपने तेल लेकर आना है इस दिए को जलाने के लिए। और इसके लिए आपको एक साबुत लौंग और एक छोटी इलायची और थोड़ी सी आपको इसके लिए मिश्री के कुछ दाने चाहिए, मिठान चाहिए। तो आपने ये दिया कैसे रोशन करना है, कैसे आप किसी को अपने प्यार के बंधन में बांध सकते हैं, आप अपना आकर्षण डाल सकते हैं, तो अब मैं आपको इसकी संपूर्ण विधि बताने जा रहा हूं। लेकिन ये विधि बताने से पहले आप सभी साधकों से निवेदन है कि जो साधक साधना और समाधान चैनल के साथ नए जुड़े हैं,
कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल घंटी का आप बटन दबाएं ताकि इस चैनल के ऊपर जो भी वीडियो डाली हुई है आप उसको भी देख पाएं और जो नित्य हम नई अपडेट आपके लिए लेकर आते हैं उसकी जो नोटिफिकेशन है वह भी आपको शीघ्र ही प्राप्त हो सके। और इसके अलावा अगर घर बैठे कोई मनचाहा आप वशीकरण करवाना चाहते हैं या फिर आप घर का कीलन करवाना चाहते हैं ताकि आपके घर परिवार में किसी बुरी शक्ति का प्रवेश ना हो और जो बुरी शक्तियां हैं वह आपके घर से निकल जाएं, तो उनके लिए आप हमारे द्वारा वशीकरण करने वाली किट और घर की सुरक्षा करने वाली किट की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी रक्षा सूत्र, धागा, तावीज, वशीकरण करने वाला तावीज, जंत्रों की प्राप्ति आप हमारे द्वारा कर सकते हैं या सिद्ध की हुई रुद्राक्ष की माला भी आप हमारे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर घर बैठे घर की किसी समस्या के बारे में पर्सनली अगर आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं या घर की समस्या के बारे में या कोई वशीकरण की शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं तो जो जो स्क्रीन के ऊपर नंबर आप देख रहे हैं तो इन नंबरों के ऊपर कॉन्टैक्ट करने के बाद आप मेरे साथ बात भी कर सकते हैं और इन्हीं नंबरों के ऊपर आप सामग्री वगैरह, किटों वगैरह की भी आप बुकिंग कर सकते हैं। तो अब आते हैं मुद्दे की बात के ऊपर कि कैसे आप एक चमत्कारी दिए को जलाकर कैसे आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। तो आपने यह जो दिया है इसमें चमेली का तेल डाल लेना है और एक आपने इसमें बाती डाल देनी है और उसी तेल में एक साबुत लौंग और एक छोटी इलायची को आपने डाल देना है और दो चार दाने आपने मिश्री के डाल देने हैं। और यह जो विधि है आपने या तो सुबह सूर्य उदय होने से पहले या सूर्य अस्त होने के बाद आपने इस दिए को रोशन करना है और कोई भी स्त्री कोई भी पुरुष इस दिए को रोशन कर सकते हैं। और यह जो दिया आपने रोशन करना है सुबह सुबह निहार मुंह जा तो या फिर रात्रि के समय भी आप इस दिए को रोशन कर सकते हैं। और यह जो दिया आपने रोशन करना है पूर्ण रूप से पाक साफ होकर शुद्धता के साथ जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं, पहले आप माता श्याम कुर मोहिनी वशीकरण करने वाली देवी का ध्यान धरें और उसके बाद जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं आपने अपने प्यार को अपने मन में आपने याद करना है, उसकी तस्वीर कैसी है, कैसे वह रहता है, उसकी बातों को याद करते हुए, उसके चेहरे को याद करते हुए अपनी आंखों में बसाने के बाद फिर आपने यह जो दिया है या तो आपने आक कड़ाई के पौधे के नीचे, आक मदार के पौधे के नीचे या फिर आपने केले या केली के पौधे के नीचे आपने इसको रोशन करना है, या तो सुबह सुबह निहार मुंह खाली पेट या फिर रात्रि के समय सूर्य अस्त होने के बाद पाक साफ होकर शुद्धता के साथ आपने ये जो दिया है 21 दिन रेगुलर इसी विधि के अनुसार रोशन करना है माता श्याम कुर मोहिनी का ध्यान धरते हुए और अपने प्यार का ध्यान धरते हुए। तो 21 दिन आप रेगुलर इस दिए को रोशन कर देखें तो एक चमत्कार के रूप में आपको माता श्याम कुर मोहिनी सिद्धों धाम वाली माता श्याम कुर मोहिनी की जो शक्ति है उसकी प्राप्ति होगी और जिसको आप दिल से चाहते हैं, जिससे सच्चा प्रेम करते हैं तो पूर्ण रूप से वह व्यक्ति आपके प्यार के बंधन में बंध जाएगा। तो इस वशीकरण दिए के द्वारा किसी को भी आप अपने प्यार के बंधन में बांध सकते हैं। इस चमत्कारी दिए को आप जलाकर देखें तो एक चमत्कार के रूप में आपको माता श्याम कुर मोहिनी की वशीकरण करने वाली शक्ति की प्राप्ति होगी। तो यह थी माता श्याम कुर मोहिनी की शक्ति वशीकरण करने वाली, जिससे आप किसी को भी अपने प्यार के बंधन में बांध सकते हैं एक दिए को जलाकर ही, ना ही आपने किसी मंत्र का जाप करना है, ना ही कोई बड़ा अनुष्ठान करना है। अगर ऐसी वीडियो देखना आप पसंद करते हैं तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई विधि एक नई अपडेट के साथ, तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।